नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमेश सिन्हा। बिहार में जल संसाधन विभाग के गेट पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां एक शख्स गेट के ऊपर चढ़कर जान देने की धमकी दे रहा था। सभी के लाख कोशिशों के बाद भी इस शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक जारी रहा। पुलिसकर्मी की जद्दोजहद के बाद भी यह व्यक्ति नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से एक गजब मामला सामने आया है। यहां सोमवार दोपहर में मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग के कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि यहां एक शख्स मेन गेट पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दे रहा था। पिछले कई घंटे से गेट पर चढ़े शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक जारी रहा। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। दरअसल शख्स का आरोप है कि वन विभाग ने उसके 18 चक्के का ट्रक जब्त कर लिया है। 13 महीने से वाहन छोड़ने के नाम पर बार बार पैसों की मांग की जा रही है। अवैध वसूली से परेशान होकर शख्स मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग के कार्यालय के एंट्रेंस गेट पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी दे रहा था। आपको बता दें कि वाहन मालिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का निवासी। वहीं इस मामले पर पीड़ित का कहना है कि वह 13 महीने से वाहन मुक्त कराने के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। वाहन मालिक कह रहा है कि अब क्या करूं, पैसे नहीं है मेरे पास, जब तक ट्रक छोड़ेंगे नहीं तब तक यही रहूंगा, 4 बजे फांसी लगा लूंगा। पिता ने भी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। ट्रक मालिक का कहना है कि आत्महत्या ही विकल्प बचा है। इसी के साथ शख्स को गेट से नीचे उतारने के लिए नगर थाना अध्यक्ष और अन्य लोग मनाने में जुटे रहे। हालांकि वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। वहीं पुलिस वाले उसे नीचे उतारने की मिन्नतें करते रहे। पुलिस कर्मियों ने गेट के नीचे जाल लगा दिया और आसपास लोगों की काफी संख्या में भीड़ भी जमा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल आपको बता दें कि इस शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा और प्रशासन और लोग इसे नीचे उतारने की मिन्नतें करते रहे, मगर यह व्यक्ति सभी को आत्महत्या की धमकी देता रहा। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह से आत्महत्या कर लेना आखिर किस समस्या का समाधान है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।